मेरा अपनी कौम से वादा है, अपने लोगों से, कि कोई भी पाकिस्तान की तारीख में अगर इसके लिए दुनिया में कैंपेन चलाएगा, और इंशाल्लाह एक वक्त वो आएगा कि किसी की मगरब के मुल्कों में भी लोगों को किसी को खौफ आएगा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करें, वो इसलिए कि इसके लिए कैंपेन की ज़रूरत है। यह मुल्क में मुजाहरे करके, तोड़ फोड़ करके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मगरब के अंदर, जिधर ये गुस्ताखी होती है उनको कोई नुकसान नहीं पहुँच रहा, अपने आप को कर रहे हैं। लेकिन जो कैंपेन मैं चलाऊँगा, और इंशाल्लाह शुरू कर दिया मैंने कैंपेन, मुसलमान मुल्कों को साथ मिला के, हेड्स ऑफ स्टेट जो मुसलमान मुल्कों के सरबरा हैं उनको साथ मिला के, उनके साथ पर हम पूरी तरह अपना केस प्रेजेंट करेंगे, और कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में, यूरोपियन यूनियन में। उस प्रेशर की वजह से ये जो बार बार हमें तकलीफ दी जाती है कि किसी मगरब मुल्क में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुर्मती की जाती है, हमें यहाँ तकलीफ होती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम एक कैंपेन करेंगे सब दुनिया के मुसलमान मुल्कों को इकट्ठा करके, हेड्स ऑफ स्टेट को, जो मैंने खत भी लिखा है सबको, उससे ये फर्क पड़ेगा, तब ये जाके तब्दीली आएगी मगरब में। नहीं तो हम अपने मुल्क में तोड़ फोड़ करते रहेंगे, वहां तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी, बल्कि वहां हर थोड़ी देर के बाद कोई ना कोई ये फितना कर देता है, नुकसान हम अपना कर लेते हैं। जो मेरी कैंपेन है इंशाल्लाह, इससे हम हमेशा के लिए इस मसले का हल करेंगे, ताकि कोई भी बाहर बैठ के हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी ना करे।